जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछला जो मेरा मैथ्स का वीडियो था उसमें मैंने बॉड मास का रूल और सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को बताया था, और आज के इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन का जो दूसरा पार्ट होता है वर्ग और वर्गमूल वाला चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को BSF के लिए जो भी वैकेंसी आई हुई है, BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन्स के लिए, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक आई हुई है मार्केट में, उसके बारे में बताना चाहूँगा आप सभी को। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक आई हुई है, और ये दो बुक है। एक तो पहले आपके लिए गाइड आपके लिए आई हुई है, यहाँ पर आप देख पाएंगे BSF कांस्टेबल गाइड है और BSF कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है, दोनों को आप ले सकते हैं। और ये जो बुक है इसके लिए भी वैकेंसीज भी आई हुई है, और इसमें सभी सिलेबस को कवर किया गया है। इसका विषय सूची भी आपको दिखा देता हूँ, जो इंडेक्स है उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक का PDF मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप विषय सूची भी देख सकते हैं, नीचे जाएगा। देखिए, समसामयिकी दिया गया है, बुद्धिमत्ता परीक्षण दिया गया है यहाँ पर, और सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी भी दी गई है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे सामान्य विज्ञान दिया गया है, जनरल इंग्लिश भी है, और मैथ्स के सभी टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं, और सामान्य हिंदी भी दी गई है। दोस्तों, अगर आपको बुक परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसका, और आप लोग ऑनलाइन जाकर के भी इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर, तो बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों, सभी को समझ में आने वाला है आज का मैथ। तो वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है, सबसे पहले अगर बात करूं 16 का वर्ग करने पर क्या प्राप्त होता है, तो 16 का वर्ग मतलब 16 की पावर आपको 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 256 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्या होता है, 16 का वर्ग है। अगर मैं कहूँ 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको इसके अंदर रूट में ऐसा रखना पड़ेगा, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो ये आपको पता होना चाहिए, 16 का वर्ग 256 होता है, 16 का वर्ग मूल जो होता है वो 4 होता है, एकदम बेसिक सा अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। और आप लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 25 तक का आप लोग वर्ग याद कर लेंगे, स्क्वायर याद कर लेंगे, 25 का 625 होता है, इस प्रकार से याद कर लेंगे, तो आपको सभी एग्जाम में काम आएगा। चलिए अब प्रश्न लेना शुरू कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे 4 प्रश्न लिखे हुए, सभी को मैं तुरंत आपको हल करके बताता हूँ किस प्रकार से हल होगा। देखिए, हमारा पहला जो प्रश्न है यहाँ पे, देखिए 10 + 3√4 का वर्गमूल क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल में आपको रूट लगाना पड़ता है, तो इसका वर्गमूल निकालना है आपको। तो वर्गमूल इस प्रकार से निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसको वर्ग आपको अपने मर्जी से लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए ही कहा गया है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न ही इस प्रकार से बन गया है। ठीक है, अब ये रूट 4 है, यहाँ पे किसका है, ये 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, और 2 बाहर निकलेगा वो 3 में क्या हो जाएगा, कोई साइन नहीं है, मतलब कि गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 + यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और ये क्या बन गया, अब √16 बन गया है, इसका मतलब यहाँ से क्या निकलेगा 4। तो इसका वर्गमूल क्या होने वाला है, 4 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, रूट के अंदर है 324/1.5 बराबर में है क्वेश्चन मार्क, और बटे में है √256, इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन मार्क की आपको वैल्यू निकालनी, ये यहीं पर रहेगा, इसको आप लोग x मान सकते हैं, तो यहाँ पे x मान लेंगे। ठीक है, और ये √256, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया, √256 किसका होता है, 16 का होता है, √324 है ये किसका होता है, 18 का होता है, और यहाँ पे 1.5 वैसे ही रहने वाला है। अब x की आपको वैल्यू निकालना है, इसको उधर गणना कर दीजिए, इसको भाग कर लीजिए, पहले आप भाग कर लीजिए, 15 × 1 = 15, यहाँ से 3 बचेगा, और 15 × 2 = 30, ठीक है, यहाँ पे 12 बच गया है। x का मान निकालिए क्या हो जाएगा, 12 × 16, 16 × 2 = 32 का 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 16 × 16 = 17, 18 = 19, तो x का मान कितना आ गया, 192, यही क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। दो प्रश्न बहुत ही ईजी थे, और ये प्रश्न है पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इस प्रश्न को करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंदर है वर्गमूल और यहाँ पे पावर में 3, तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जब इस प्रकार से होता है, जो पिछला वीडियो था उसमें आप लोगों को बताया था कि दशमलव के बाद संख्याएं गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर है, जब इसको हटाएंगे आप लोग तो जो 6 संख्याएं हैं वो 3 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाता है, तो मैं स्क्वायर को हटा देता हूँ और यहाँ पे 3 ही लिखता हूँ। 64 से क्या बाहर आने वाला है, 8 बाहर आएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, केवल 64 को देखिए, 8 बाहर आएगा। दशमलव के बाद अगर 6 अंक हैं तो यहाँ पे 3 के बाद क्या लगाएंगे आप लोग, दशमलव लगा देंगे और ये रूट आपका हट जाएगा। अगर यहाँ पे 6, अगर 8 संख्याएं होती तो बाहर में 4 के बाद दशमलव लगाते, अगर यहाँ पे 0.64 होता, 2 संख्याओं के बाद दशमलव होता, तो बाहर आने के बाद 1 संख्या के बाद दशमलव, जस्ट उसका आधा कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, 3, मतलब यहाँ पे जब 2 रहता तो हम लोग अंदर में 2-2 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो 3 संख्या के बाद दशमलव, अब यहाँ पे 3 है
तो यहाँ पे हम लोग एक पेयर बनाएंगे तीन का, और ये आठ किसका है, दो का क्यूब क्या होता है, आठ होता है। तो यहाँ से आठ से क्या बाहर निकलेगा, दो बाहर निकलेगा, और तीन संख्याओं के बाद दशमलव है, तो बाहर आने के बाद एक संख्या के बाद दशमलव हो जाएगा, क्योंकि अब अंदर में तीन तीन का पेयर बनेगा, तो इसका दशमलव दो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग चाहें तो दशमलव दो मल्टीप्लाई दशमलव दो मल्टीप्लाई दशमलव दो करेंगे तो आप क्या मिलेगा, यही मिलेगा, दशमलव जीरो जीरो आठ ही मिलेगा, क्योंकि ये अंदर जाने पर तीन बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब रूट है, तीन है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये प्रश्न इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैटर्न है, जैसे कि जीएस में प्रश्न रिपीट होते हैं, प्रश्न ही रिपीट होते हैं, कोई भी जीएस पढ़ेंगे तो मैथ्स में होता है दोस्तों पैटर्न रिपीट होते हैं, जिस पैटर्न के प्रश्न पूछे गए हैं जिस टॉपिक से उसी पैटर्न के संख्या चेंज करके और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही विशेष पैटर्न है। ये पैटर्न को हमेशा पीछे से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले ये रूट से बाहर आएगा, जो भी निकल के यहाँ पे प्लस माइनस ध्यान देंगे इसमें जुड़ेगा, फिर ये सॉल्व होगा, ये रूट से बाहर निकलेगा प्लस माइनस ध्यान देकर के ये इसमें जुड़ेगा, और ये फिर बाहर रूट से निकलेगा। तो कैसे करेंगे इसको, निकालिए रूट से बाहर, सब पहले वैसे ही रहेगा 15612 वैसे ही रहेगा, प्लस अंडर रूट ये वैसे ही रहेगा 154। 225 किसका होता है दोस्तों, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा 15, ये किसका स्क्वायर होता है 15 का, यहाँ से 15 बाहर निकलेगा, ये वाले रूट से बाहर निकलेगा और ये वाले रूट में आके फंस जाएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए दोनों को, तो 15612 प्लस अब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या बाहर निकलेगा, रूट 13 बाहर निकलेगा, 13 आकर के क्या इसमें जुड़ जाएगा, तो इसमें जुड़ने के बाद क्या होगा, इसमें जब 13 जुड़ जाएगा, इसमें मैं 13 जोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ से 13 बाहर निकल के प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे आकर के 13 जुड़ने वाला है, तो 15600 यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 15625, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 15625। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा या आपको ये आना चाहिए कि अगर लास्ट में 25 है तो 5 का स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है, ये कितना हजार है 15000 है, 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो ही आप 10000 तक पहुंच जाएंगे, और ये जो उत्तर है ये आपका 125 का स्क्वायर है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 125। आप लोग 125 गुणित 125 दो बार करेंगे तो आपको ये मान मिल जाएगा। तो अभी चार प्रश्न सॉल्व हो गए हैं, आगे भी इस प्रकार के प्रश्न और ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे कुछ और प्रश्न ले लेते हैं वर्ग और वर्गमूल संबंधित, जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। यहाँ पे √3 × √3 × √3 × √3 एक के अंदर एक है और अनंत काल तक जा रहा है दोस्तों, है ना। एक बात का आप विशेष ध्यान देंगे, इसके बीच में कोई प्लस माइनस साइन नहीं है, भाग भी नहीं है, और ये अनंत काल तक जा रहा है। तो जब भी ऐसा पैटर्न मिलता है आपको, तो यहाँ पे काफी कम स्पेस रखा है मैंने, मतलब इतने स्पेस में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जिस भी संख्या का रिपीटेशन अनंत काल तक जाए, बीच में कोई भी चिन्ह ना हो, तो वही संख्या क्या होती है, आपका आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पे 5 का रिपीटेशन होगा, दो चीजों का ध्यान देंगे, प्लस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए और रिपीटेशन अनंत काल तक जाना चाहिए, अगर ऐसे हो जाएगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भी संख्या का रिपीटेशन, यहाँ 5 का रिपीटेशन होगा तो 5 आंसर होगा, 8 का रिपीटेशन अनंत काल तक होगा तो 8 रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न इसी प्रकार से बना सकते हैं आप लोग एग्जाम में, और बनाए जाते हैं क्योंकि इसका लॉन्ग कट थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीएससी में आया हुआ था 1-2 साल पहले एप्टीट्यूड वाले पेपर में, 2 की पावर n = 64। तो इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए कैसे सॉल्व होगा। जब ये रूट हटता है तो मतलब होल की पावर 1/2 हो जाती है, ये क्या हो जाएगा 2n की पावर 1/2 = 64। 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर में लिखते हैं इसको, 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 6, 2 आप 2 × 2 × 2 6 बार करेंगे तो आपको 64 मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में बराबर 2 की पावर 6। तो इसके आधार समान है, तो मतलब जो घात की वैल्यू होगी और ये आपस में बराबर है, तो इसलिए जो घात की वैल्यू होगी वही बराबर होगी। तो एन बाई टू का जो मान है वो 6 के बराबर हो जाता है, और एन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाला ऊपर, तो एन का मान हो जाएगा यहाँ से 12, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखें, जब भी ये रूट हटता है तो जो भी उसके अंदर में रहता है उसकी पावर क्या देकर जाके जाता है, 1/2 देकर के ये जाता है, यहाँ पे भी काम आने वाला है। यहाँ पे ये वाला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, √3 की पावर 5 है मल्टीप्लाइड है 9 का स्क्वायर बराबर a की पावर a है मल्टीप्लाइड 3 × √3 है, ठीक है, यहाँ पे √3 है। तो ये जो a दिख रहा है आपको इसी का मान निकालना है, a की वैल्यू ही इसमें निकालना है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, रूट हटा करके सभी को 3 के पावर में डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूट हटेगा तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। प्लस हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 9 का स्क्वायर मतलब 9 = 81,
तो हम इसको 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर वाला स्क्वायर हम वैसे ही रहने देते हैं, ये स्क्वायर पहले से ही है बराबर। यहाँ पे 3 की पावर a तो लिख ही सकते हैं, मल्टीप्लाइड में 3 की पावर कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है, और मल्टीप्लाइड इसका भी रूट हम लोग हटा लेते हैं तो 3 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ये रूट हटता है तो पावर में 1/2 के दे करके जाता ही है, ये रूट हटा तो इसकी पावर में 1/2 दिया यहाँ पर, तो इसलिए 5/2 हो गया है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर में क्या हो जाएगा 5/2 धन 3 की पावर में ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4 बराबर। यहाँ पे देखो ये सभी 3 के पावर में ही यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो 3 की पावर a मल्टीप्लाइड 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड 3 की पावर क्या है 1/2, चूंकि अब क्या है ये दोनों के बीच में यहाँ प्लस नहीं है सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होता है ये जो घात होता आधार समान है तो ये घात होते क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, ठीक है, क्या है घात जुड़ जाते हैं। 3 की पावर में देखिए यहाँ 5/2 रहेगा प्लस क्या रहेगा 4, यहाँ पे 3 की पावर में क्या रहेगा a प्लस 1 प्लस 1/2। अब फिर से क्या हो गया इनके आधार समान हो गए तो घात भी आपस में बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, माफ़ करना दोस्तों लाइट चली गई है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जय हिंद।